Hello everyone, once again welcome to your own channel, that is RET classes, where you are learning your physics in an easier and a better way. And in this today's series we will start with our next series of questions, that is from question number 11 to question number 21. So if you find any of the difficulty in our today's video, then please let us know. And if you find any of the difficulty in our previous video, that is from question number 11 to 10, then please let us know on our YouTube channel, as well as you can contact us on our email ID, that is letclasses@gmail.com, and that Gmail ID is also available on the description box. You can contact from that also. So now beta, let's start with question number 11 in today's part. जैसा कि आपको question number 10 भी बताया गया था, similarly उसके basis पे ही आपको question number 11 है. तो question number 11 में बोला गया है कि अबोव प्रॉब्लम से रिलेटेड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड अगर हमने देखा, तो हमें ये जानना है कि डायरेक्शन जो है ग्रेविटेशनल डेंसिटी की एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट पी, वो इंडिकेट करते किसी एरो से डी ई एफ और जी, आपको ये बताना है हमें. ठीक है, तो आपको ये फिगर गिवन है. यहाँ पर जो टेंथ क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे एक क्यू पॉइंट गिवन था, उसमें जो लाई करा था ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की डायरेक्शन में था, दैट इज फॉर सी. लेकिन इस केस में जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखी है वो आपको दे रखी है जी एफ ई डी, और पॉइंट दे रखा है पी. तो पी पॉइंट पर कौन सा ऐसा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा जो उसको क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को शो करेगा. तो आपको दिख भी रहा है बेटा कि ये जो आपके पास स्फीयर है ये कैसा है, हाफ हेमिस्फीयर की फॉर्म में है. तो इसमें एक तो वैसे अगर पूरा स्फीयर होता तो हम कहते थे कि इस पॉइंट पर ऊपर की डायरेक्शन में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और नीचे की डायरेक्शन भी लगेगा. लेकिन यहाँ पे अब ये पूरा ना हो कि ये क्या है, एक हाफ कट पार्ट है. जब ये कट पार्ट है तो इट मीन्स आपका जो ई पार्ट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी लगेगी वो क्या लगेगी, आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी. तो यहाँ से हमारा जो सेकेंड ऑप्शन होगा दैट इज ई पार्ट, दैट इज इट इज करेक्ट. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक रॉकेट को फायर किया गया है अर्थ से. ठीक है, एक रॉकेट को अर्थ सरफेस से फायर किया गया है, और किसकी तरफ फायर किया गया, सन की तरफ. और उस पॉइंट पर जो आपको ये निकालना है कि किस पॉइंट पर पाथ जो है इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट इज जीरो. ठीक है, वो निकालना है. और साथ में आपको मास ऑफ सन गिवन है, मास ऑफ अर्थ गिवन है, और रेडियस या ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है. तो हमने क्या कंसिडर किया बेटा, हमने कंसिडर किया कि अर्थ से लेकर रॉकेट तक का डिस्टेंस हमने कंसिडर कर लिया एक्स, रॉकेट से लेकर सन तक का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया आर माइनस एक्स, क्योंकि अर्थ से सन तक का डिस्टेंस था आर, ये डिस्टेंस था एक्स. तो ये कितना हो गया आपके पास, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा बेटा, आर माइनस एक्स हो जाएगा. और एम जो है हमने मास ऑफ रॉकेट कंसिडर कर लिया. ठीक है, अब हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार हम सन से कंसिडर करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, एक बार हम अर्थ से कंसिडर करेंगे, और जो दोनों फोर्स लगेंगे वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे. तो देखिए पहले हम सन से करते हैं. ठीक है, सन से करके जब हम करेंगे रॉकेट तक का, तो हमारे पास क्या होगा, इसका होगा एम एस जी एम एस. आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, जी एम एम बाय आर स्केयर, ये फॉर्मूला होता है. जी तो एज इट इज, एम एस मतलब मास ऑफ सन, मास ऑफ रॉकेट अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एक्स का होल स्केयर, इज इक्वल्स टू इन दोनों के बीच का आप निकालिए, जी इसका मास कितना हो जाएगा एम ई, रॉकेट का मास है एम, बाय इसके बीच का डिस्टेंस कितना है एक्स स्केयर. एम से एम और जी से जी कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास यहाँ से क्या रह जाएगा बेटा, आर माइनस एक्स का होल स्केयर बाय एक्स स्केयर. इसको यहाँ ले जाइए, इसको इसके नीचे ले आइए, ये हो जाएगा एम एस बाय एम ई. स्केयरिंग हटा दीजिए यहाँ से, जब आप हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आपका रूट आ जाएगा. तो यहाँ से रूट एम एस बाय एम ई कितना हो जाएगा, एम एस आपके पास ऑलरेडी है 2×10⁴, एम ई आपके पास है 6×10⁴. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये आर बाय एक्स माइनस वन हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ रहेगा 10³/√3. प्लीज़ आप करके देखिएगा, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा. तो यहाँ से आप इस वन को इधर लेकर जाइए, ये हो जाएगा वन प्लस का, ये इसको एलसीएम लीजिए, √3 + 10³/√3 हो जाएगा. तो यहाँ कितना रहेगा बेटा, एक्स इज इक्वल टू √3 + 10³/√3 रहेगा. तो यहाँ से आप आर की वैल्यू पुट करिए, √3 as it is, और ये एज इट इज होगा. तो 1.5 × 10⁻¹ⁱ और √3 कितना आया, 1.732 बाय ये 1.732 हो गया प्लस 1000 हो गया. जब हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.59 × 10⁻¹⁸ मीटर.
बहुत इजी है, जस्ट आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगाना है और उसके अकॉर्डिंग आर की एक्स की वैल्यू आपको सॉल्व आउट करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैपलर्स लॉ से जुड़ा हुआ है। आपके पास ये बोल रखा है कि आप कितना वे करेंगे, हाउ विल यू वे द सन दैट इज एस्टिमेट इट्स मास। यू विल नीड टू नो द पीरियड ऑफ वन ऑफ इट्स प्लैनेट एंड द रेडियस ऑफ द प्लैनेटरी ऑर्बिट। और साथ में ये बोल रखा है कि जो मीन ऑर्बिटल रेडियस है अराउंड द सन वो आपको 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 किलोमीटर गिवन है। आपको मास ऑफ सन निकाल। अब कैपलर्स लॉ से आपको पता है कि जब हमने डिटेक्शन किया था तो फॉर्मूला आता है टी स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर बाय जी एम एस इंटू आर क्यू। ये हमने फॉर्मूला किया था। तो यहाँ से आप एम एस निकालिए बेटा। एम एस निकालने पर आपके पास आएगा क्या, यहाँ से बहुत ध्यान से देखिएगा, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर एम एस अगर आपको निकालना है तो एम एस का फॉर्मूला आया आपके पास यहाँ से, एम एस इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर बाय जी की स्केयर इंटू आर क्यू। 4 पाई की वैल्यू आपको पता है 3.1 को, आर आपको ऑलरेडी गिवन है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू 11 का होल क्यू, जी की वैल्यू आपको पता है, टी आपके पास अगर आपको डेज में ईयर्स में निकालना है तो आप क्या करेंगे, डेज और ईयर्स में 365 इंटू 86 400 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे का होल स्केयर। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 30 kg। अगर आपको यहाँ तक समझ ना आया तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट 14 क्वेश्चन के बारे में। 14 क्वेश्चन में भी आपका ऐसे ही है। क्वेश्चन बोल रखा है कि एक सेटर्न ईयर है, ठीक है, 2.295 टाइम्स लेता है वो अर्थ ईयर से। आपको ये बताना है कि कितनी दूर सेटर्न जो है सन से होगा अगर अर्थ जो है इतने 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 किलोमीटर दूर होगा सन से। अब कैपलर्स थर्ड लॉ के ऊपर ही बेस करता है ये क्वेश्चन। इसमें आपके पास है यूजिंग कैपलर्स थर्ड लॉ, हमारे पास फॉर्मूला है टी, इस फॉर्मूले को तो आप लर्न कर ही लीजिए। टी स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर बाय जीएमएस इंटू आर क्यू। अर्थ और सेटर्न के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब अगर मुझे अर्थ का टाइम पीरियड चाहिए तो टी स्केयर हो जाएगा, सेटर्न का चाहिए तो टी एस हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें तो कॉन्स्टेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, ये रहेगा आपका आर ई का क्यूब बाय आर एस का होल क्यूब, क्योंकि मास के बारे में भी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बता रखा। रेडियस का आप बोल सकते हैं आर ई का क्यूब बाय आर एस का क्यूब, बिकॉज हमें पता है कैपलर्स लॉ से टी स्केयर किसके प्रोपोर्शन होता है, आर क्यूब के प्रोपोर्शन होता है। तो अगर हमारे पास दोनों आपके पास ऑब्जेक्ट हैं लाइक अर्थ और सैटेलाइट तो रेडियस भी आप क्या करेंगे, अर्थ और सैटेलाइट का ही करेंगे, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आर एस क्यूब निकालिए, आर एस क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा टी एस स्केयर, आर एस क्यूब निकाला इसको यहाँ ले इसको यहाँ ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा आर ई क्यूब इंटू टी एस स्केयर हो जाएगा बाय टी ई का स्केयर। आर ई क्यूब आपके पास है, टी एस के स्केयर आपके पास है और टी ई आपके पास है, ठीक है। तीनों का आप वैल्यू निकालिए क्योंकि टी एस उसने बोलकर 29.5 टाइम्स है, तो 29.5 और टी कितना हो गया 1 हो गया आपके पास का होल स्केयर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 2.937 इंटू 10 रेज़ टू पावर 27 किलोमीटर। तो यहाँ से आपके पास आर एस कितना आ जाएगा, इसका जब आप क्यूब रूट लेंगे देन यू विल गेट 1.43 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 किलोमीटर। और वी कैन से किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे आप, दैट मीन्स 1 आप देख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 बेसेम पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, देन यू विल गेट 1.43 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12 मीटर। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन। आपको एक बॉडी का वेट दे रखा है 63 न्यूटन दे रखा है, ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर। आगे बोल रखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है उसके ऊपर ही अर्थ की वजह से, और विच इज इक एट अ हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। उसकी जो हाइट है वो हाफ है रेडियस ऑफ द अर्थ से। अब आपको अगर दिख रहा हो तो ये क्वेश्चन है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर विच पार्ट, एल्टीट्यूड पार्ट, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या था हाइट की वजह से, जी एच इज इक्वल टू जी आर स्केयर बाय एच प्लस आर ई का होल स्केयर। आर इज स्टैंड फॉर योर रेडियस ऑफ अर्थ, जी एस स्टैंड फॉर योर वट, जी एस इज स्टैंड फॉर योर सरफेस ग्रेविटी, ओके, और वी कैन सैटेलाइट ग्रेविटी, वी कैन से जी एस या सन ग्रेविटी भी बोल सकते हो आप इसके अंदर। अब देखिए इसके बाद हम क्या कहते हैं, हमें बताया है कि एच जो है वो हाफ है, एच क्या है हाफ है हाइट ऑफ द अर्थ से, रेडियस ऑफ अर्थ से, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप इस केस में फॉर्मूला क्या था आपके पास, अगर आपने देखा हो तो जी एच प्लस आर ई का होल स्केयर था, एच प्लस आर ई का होल स्केयर।
तो यहाँ पर हमें हाइट जो दे रखी है वो अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ से हाफ दे रखी है, और साथ में हमें क्या कहते हैं फॉर्मूला जो हमें पता है वो हमारे पास क्या था, आपने अगर देखा हो तो g r² / r + h² था। तो यहाँ पे अगर आप r प्लस एच में डालोगे r प्लस एच, यानी कि h भी कितना हो गया आपके पास h बाई टू आर बाई टू, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ के बोल रखा है तो r लिखेंगे आप r बाय टू, तो ये कितना हो जाएगा 2r + 1 3/2 r ही हो जाएगा। तो r स्केयर से r स्केयर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा 4/9 gs रह जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बोल रखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालना है आपको। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो कितना होता है F=mg' होता है, mg बोल सकते हो आप या mgh भी बोल सकते हो कि हम mgh ले रहे हैं। तो m इंटू gh कितना है आपके पास 4/9 of gs। ठीक है, और आपको ये जो दे रखी है बॉडी का वेट दे रखा है सरफेस ऑफ द अर्थ पे वो कितना दे रखा है 63 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, तो आप किसको क्या करोगे m की वैल्यू है आपके पास m इंटू जी एस कितना हो जाएगा 63 और 4/9 आपके पास आई ऑलरेडी, आप इसको कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना करेंगे आप कितना आएगा 97 + 63 तो 28 न्यूटन आ जाएगा। ओके, तो ये आपका आ गया 15 क्वेश्चन। चलिए 16 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन में भी बता रखा है कि एज्यूम दैट द अर्थ ऑफ द स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मीन डेंसिटी, हाउ मच अ बॉडी वे हाफ डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ इफ द बॉडी वे 250 न्यूटन ऑन द सरफेस। अब इसने बोल रखा है कि सरफेस पे 250 न्यूटन है, यानी कि mgs हो गया सरफेस पे, दैट इज 250 न्यूटन। और साथ में हमें बताना क्या है कितना बॉडी वे करेगा हाफ वे डाउन। ठीक है, जब वो नीचे आएगा हाफ वे डाउन, तो हमें पता है कि डेप्थ हमने हाइट एच ले ली, ठीक है, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, उसका फॉर्मूला क्या होता है gh = gs × 1 - h/r। अगर हाइट होता तो यहाँ प्लस आता, अगर डेप्थ है तो यहाँ माइनस आता। तो हमें हाफ डिवाइड वे डाउन बोल रखा है, इट मीन्स जब ऊपर से नीचे आ रहा था उसकी हाइट जो डिक्रीज हो गई हाफ से, तो यहाँ पुट कर दिया एच की जगह पे, यानी कि रेडियस उसका हाफ हो गया आर बाय टू हो गया। जहाँ पर भी वो था तो आपने क्या पुट कर दिया आर बाय टू इंटू आर, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास कितना बचेगा 1 - 1/2। तो जब आप करेंगे तो सिंपल 1/2 बच जाएगा gs 1/2। अब हाफ वे डाउन में जो वेट होता है बॉडी है उसको कैसे देंगे हम हाफ वे डाउन में, अगेन बिल्कुल इसी की तरह है, इसमें आपके पास जी एस आया था, इसमें आपके पास हाफ वे डाउन आ जाएगा, मीन्स एम जी एस बाई टू हो जाएगा। अब ये एम जी कितना था आपके पास 250 / 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, जब आप डिवाइड करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 2, इतना आपके पास न्यूटन आ जाएगा 125 न्यूटन। ओके, बिल्कुल सेम बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा था कि एक रॉकेट को फायर किया गया वर्टिकली इन द विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फ्रॉम द अर्थ पे अर्थ सरफेस से एक रॉकेट को क्या करा गया फायर किया गया। अब कितनी दूर अर्थ से रॉकेट जो है जाएगा बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ, बिना मतलब रिटर्न करने से पहले वो कितनी दूर जाएगा वो। ठीक है, और उसका मास दे रखा है आपको अर्थ का 16 × 10⁴, रेडियस दे रखा है 6.4 × 10⁶ मीटर और जी की वैल्यू आपको पता ही है। अब हमने क्या किया, जब वो जाएगा तो उसके ऊपर हमने, अब ये जो क्वेश्चन है डिपेंड्स ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियली वो किस पे था सरफेस ऑफ अर्थ पे था। ठीक है, तो इनिशियली जो एनर्जी हुई वो कितनी हुई आपके पास सरफेस ऑफ द अर्थ पे जा था, तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर उसकी वी और काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो हो जाती है, लेकिन जो हमें टोटल फॉर्मूला पता है एनर्जी का वो हमारा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस जी एम ई एम बाई हाफ, ये फॉर्मूला होता है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का, हमने निकाला भी था। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोला है, उसके बाद आता है आपका फाइनली जब वो हाइट पर जाएगा डिस्टेंस आर से अर्थ के सेंटर से, फाइनली ऊपर जाएगा जब वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जाएगा, तो ऊपर के डायरेक्शन में जाने के बाद उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ कौन सी बचेगी पोटेंशियल एनर्जी तो बचेगी, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर हाइट पर जा रहा है, किसी पर्टिकुलर हाइट पर जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी इसकी जीरो हो गई। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल एनर्जी हो जाएगी वो क्या रहेगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी जीरो, सिर्फ रह क्या गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी रह गया, दैट इज जी एम ई एम बाय आर। अब क्या हुआ जब वो सरफेस ऑफ द अर्थ से गया, कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के इक्वल होता है। इनिशियल एनर्जी आया था आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम ई एम बाय आर, फाइनल एनर्जी आया था माइनस जी एम ई एम बाय आर, एम से एम कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ। यहाँ से आप क्या करेंगे आर की वैल्यू निकालेंगे,
आर की वैल्यू जब आप निकालेंगे इसका एलसीएम वगैरह लेकर, तो आपके पास आएगा 2GmeRe / 2GmeVr। इसके अंदर ये सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है जो वैल्यूज आपको गिवन है, और वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 7.9 × 10⁶। और अगर उसको भी राउंड ऑफ करना है देन यू विल गेट 8 × 10⁶ मीटर। दिस इज योर आंसर। जहाँ समझ आए प्लीज करके देखिए, जहाँ समझ आए देन यू कैन आस्क अस ऑन द कॉन्टेक्ट अस ऑन द जीमेल आई डी दैट इज LED classes@gmail.com। 18 क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या बोल रखा है कि एस्केप वेलोसिटी जो है वह प्रोजेक्टाइल की सरफेस ऑफ अर्थ वो आपको दे रखी है 11.2 km/s। अगर एक बॉडी को बाहर फेंका जाता है, प्रोजेक्ट आउट किया जाता है विथ थ्राई ऑफ इट्स स्पीड, 3 गुना ज़्यादा, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 3 गुना ज़्यादा होगी। एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? 3 VE होगी, ठीक है। तो आपको स्पीड निकालनी है बॉडी की फार अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से बहुत दूर आपको निकालनी है, और आपको प्रेजेंस ऑफ अदर प्लैनेट्स और सन को इग्नोर करना है, ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ फेंका गया तो उसके पास कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होगी? काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इस पॉइंट पे आते आते? 0 हो जाएगी इस केस में। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है? कॉन्स्टेंट की इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा बेटा? यहाँ पर हमारे पास आएगा कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, पहले यहाँ पे जो थी, पहले इस सरफेस पे अर्थ की सरफेस पे जो था उसके पास काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली थी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया ½ m² / gmem/r। लेकिन जब उसको शूट किया गया 3 गुना ज़्यादा वेलोसिटी से, तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी, यानी ½ m²² इस पॉइंट पर आते आते उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? अब आप जब ये ऑब्जेक्ट एस्केप होगा तो वो एस्केप जो होगा वो किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाएगा पहले, और यहाँ पर आकर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो उसके इसमें एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ½ m²² काइनेटिक एनर्जी, वो किसके इक्वल हो जाएगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। क्या मैं इसको gmemRe को इसमें पुट कर सकती हूँ? ये आएगा ½ m²², ½ m, यहाँ पे भी ½ m कैंसिल, इधर भी आपके पास रह क्या जाएगा? v1² - v2² = v2². अब v1 कितना बोला? थ्राइस बोला है, तो थ्राइस करिए इसको, 3 VE² - v² = v2². ओके, आफ्टर दैट वी आर हैविंग v2 कितना आएगा आपके पास? v2 आएगा आपके पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट v2 इज इक्वल टू √8 VE इसको सॉल्व करने के बाद, और √8 को कैसे लिख सकते हैं? 2√2, और VE कितना है? 11.2, अब वो V1 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 31.7 km/s, यानी कि इतनी स्पीड से वो क्या करेगा? प्रोजेक्ट आउट होगा, ठीक है, पार अवे फ्रॉम द अर्थ। आई होप आपको समझ आया हो। देन कम टू द 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक सेटेलाइट ऑर्बिट है, अर्थ की अराउंड ऑर्बिट करती है, हाइट उसकी रहती है 400 किलोमीटर, ओके, और उसको इसकी एनर्जी निकालनी है हमें। एक तो मास हमें दे रखा है सेटेलाइट का, मास ऑफ अर्थ V1 है, रेडियस ऑफ अर्थ V1। जब सेटेलाइट ऑर्बिट करेगी अर्थ के अराउंड इन द रेडियस R, ठीक है, तो उसकी टोटल एनर्जी V1 किसकी इक्वल होगी? अर्थ R है, ऑर्बिट है, हाइट पे है, एल्टीट्यूड पे है, ठीक है। ये आपके पास अर्थ है, इसके अराउंड मूव कर रही है, तो एक पर्टिकुलर हाइट है इसके पास, उसकी वजह से उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? -gmem/r, 2r। क्यों हुआ? क्योंकि एक उसको वो कितनी बार वो कंसिडर करेगी? अगर उसका रेडियस r है तो यहाँ से यहाँ तक उसका रेडियस क्या होगा? 2r नहीं होगा। उसके अराउंड मूव कर रही है तो अगर सेंटर से रेडियस r ले रही है तो पूरा एक ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो उसके पास कितना रेडियस हो जाएगा? 2r हो जाएगा। और r हमें पता है कितना होता है, r = hk इक्वल होता है, आपको ऑर्बिटल स्पीड में बताया गया था। re की वैल्यू गिवन है, h की वैल्यू गिवन है आपके पास, h आपके पास 0.4 × 10⁶ है, ठीक है, यानी कि 400 किलोमीटर का 400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने यहाँ से आ गया हमारे पास। अब उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू गेट 6.8 × 10⁶ मीटर। अब इसने कहा कि जब हमें एस्केप करना सेटेलाइट को और उसके ग्रेविटेशनल पुल से, उसकी टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? मस्ट बी इंक्रीज टू 0, 0 से इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 पे हो जाएगी तो फिर तो वो मूव ही नहीं कर पाएगा, एस्केप ही नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमारे पास जो एक्सटर्नल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? जब वो बाहर जा रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी,
जी एम ई एम का या 2 आर, जितने भी वैल्यूज हमें गिवन है, अर्थ का मास, उसके बाद आपको 200 kg आपको मास ऑफ सैटेलाइट गिवन है, जी आपके पास है, आर आपके पास है, सारी वैल्यूज आप पुट कर दें, यू विल गेट आंसर 5.9 × 10⁻¹⁹ जूल आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज योर 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि दो स्टार्स हैं आपके पास और ई हर एक का जो सोलर मास जो है 1 सोलर मास है, अप्रोप्रिएट अप्रोचिंग एक दूसरे के पास अप्रोच कर रहे हैं और हेड एंड हेड कॉलिजन हो रहा है इसके अंदर, और जब क्या कहते हैं डिस्टेंस इनके बीच का है 10⁻¹⁹ किलोमीटर आपको डिस्टेंस गिवन है, आपको स्पीड निकालना है कि कितनी स्पीड से वो कोलाइड करेंगे, और रेडियस जो है हर एक स्टार की 10⁻¹⁴ किलोमीटर गिवन है। ठीक है, तब देखिए इनिशियली दोनों की वेलोसिटी क्या है, 0 के बराबर होगी क्योंकि दोनों रेस्ट में हैं, मूव नहीं कर रहे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रखा 10⁻¹⁹ किलोमीटर। लेकिन जैसे ही वो दोनों क्या करेंगे, आपस में कोलाइड कर जाएंगे, इसका रेडियस मिलकर क्या बना देंगे, 2 आर बना देंगे। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी मिलकर क्या बना देंगे, एक तरह से कंजर्वेशन बनाएंगे ना। देखिए हमने क्या कहा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमें पता है कि इनिशियल एनर्जी और मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के, कंजर्वेशन यही तो बताता है। लेकिन इनिशियली स्टार कैसे थे, रेस्ट पे थे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी, 0 हो गई, सिर्फ और सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इनका मास हमने क्या कंसिडर किया, क्या स्मॉल एम कंसिडर किया, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, जी एम एम बाय आर स्केयर। लेकिन यहाँ पर दोनों का मास कितना है, एम, एम स्केयर बाय आर हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू, इन दोनों के बीच में आपके पास फाइनल और जो आपके पास पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी लगेगी वो क्या रहेगी, माइनस जी एम स्केयर बाय 2 आर। 2 आर क्यों लगा, मैंने बताया कि दोनों कोलाइड हो गए, ठीक है, प्लस जब कोलाइड होंगे तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि जब वो आपस में आ रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी दोनों की ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे उस वेलोसिटी के लिए उसको क्या लिखा गया, 2 लिखा गया, 2 × ½ mv², m दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, देन व्हाट यू गेट, ओनली एंड ओनली यू विल गेट v² इज इक्वल टू gm इंटू 1/2 r माइनस 1/r। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करनी है, जी की वैल्यू, एम की वैल्यू, आर की वैल्यू, जो आपको गिवन है सारी वैल्यूज, ठीक है, सॉल्व करने के बाद देन यू विल गेट 6.67 × 10⁻¹² स्केयर था, उसका स्केयरिंग रूट स्केयर रूट लीजिए दोनों तरफ, स्केयर रूट निकालने के बाद देन यू विल गेट 2.6 × 10⁻¹⁶ मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ आया हो यहाँ तक क्वेश्चन, अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं कहीं से। ओके, आगे देखिए 21st क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो हैवी स्फीयर्स हैं आपके पास, दोनों का मास आपको 100 kg गिवन है, एम गिवन है 100 kg, और इनका जो रेडियस गिवन है वो 0.10 है, ठीक है, इनका रेडियस, और दोनों 1 मीटर की दूरी पर हैं, हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखे हैं, उनका आपको ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल निकालनी है एट अ मिड पॉइंट बेस पी पॉइंट पर, और ज्वाइनिंग द सेंटर, हमने सेंटर को ज्वाइन कर दिया, और साथ में ये बोल रहा था कि क्या ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया गया है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, और अगर है तो क्या वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है वो आपको बताना है। ओके, तो हमने क्या कंसीडर करा कि पी पॉइंट पर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब एक चीज़ बताइए, इसकी वजह से जो ग्रेविटेशन लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, इसकी वजह से जो ग्रेविटेशन लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, अगर इन केस सपोज करिए कि इसकी ग्रेविटी जो है कम हो जाती है, इतनी हो जाती है, तो इसकी ग्रेविटी इसमें इस तरफ ज़्यादा लगेगी, और सपोज करिए कि अगर इन केस इसकी ग्रेविटी कम हो जाए और इसकी ज़्यादा हो जाए तो वो फोर्स किधर लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, तो इट मीन्स वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाएगा, उस केस में जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तो 0 हो गया आपके पास। अब आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, स्फीयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, पी पॉइंट पर आपका यूनिट मास है एक तरह से, ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला V1 + V2 हो जाएगा, इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, -gm/r। ओके, ये कितना हो गया, -2gm/r हो गया। यहाँ से जब आप करेंगे -2g आपके पास ऑलरेडी है, m मास दे रखा है आपको 100 kg, और r जो लेंगे वो आप ये लेके चलेंगे हाफ, ठीक है, दैट इज 0.5, ठीक है, ये 1 है था ना पूरा, तो ये 0.5 हो गया, पुट करिए देन यू विल गेट -2.7 × 10⁻¹⁸ जूल पर kg। अब आपको मैंने अभी बताया
कि अगर इस तरफ फोर्स ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स इस तरफ मूव करेगा, अदरवाइज इधर मूव करेगा। इट मीन्स स्टेबिलिटी तो नहीं हुई ना, दोनों तरफ इक्वल तो नहीं हुए ना। तो यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि जी जो है पी पर वो जीरो होगा, एम इक्विलिब्रियम में होगा लेकिन इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करे किसी भी डायरेक्शन में, वो मूव कर जाती है या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। इसी वजह से यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर यहाँ तक आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो देन आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द ईमेल आईडी दैट इज aeclasses@gmail.com। और प्लीज़ बेटा हो सके तो जितना शेयर करिए आप इसको और साथ में सब्सक्राइब करिए सो दैट यू विल गेट आवर डेली नोटिफिकेशन। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच।